परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो दर्शकों, कल फाइनली हमारा जो लाल बछड़ा है जी, वॉलकैनो का है लाल बादशाह, और हमारी गुलाबो भी थी जर्सी लाल, तो इन दोनों की मीटिंग हुई थी। तो बछड़ी आई है ब्लैक जर्सी, तो शायद भगवान ने हमारी सुन ली है, क्योंकि हम बहुत देर से डिमांड कर रहे थे कि हमारे पास ब्लैक जर्सी आए। तो हमने ब्लैक जर्सी के बुल के इन सीमन भी लगाए थे गाय को, तो हमारे पास कोई भी ब्लैक जर्सी नहीं आई। ब्राउनिश जर्सी तो जरूर आई है, आज ही उसकी एआई भी हुई है। ब्राउनिश जर्सी हमारे पास तीन है, तो ब्लैक जर्सी जो नहीं आई थी वो कल शाम को आ गई है फार्म पे। तो ये हम भगवान से बहुत सालों से जो है हम मन्नत ही समझ लो मांग रहे थे कि हमें ब्लैक जर्सी चाहिए। तो अभी हम भगवान से ये मांग रहे हैं कि हमें लाल और सफ़ेद गायें चाहिए, बछड़ी चाहिए जो गायें बने और बाद में लाल और वाइट बच्चे दे। और इसीलिए हमने ये बुल भी पाला हुआ है, लाल एंड वाइट वाला। ये लेमन हेड का है और इसकी माँ जो है HF है। तो इसी ने भी एक मीटिंग की है गाय के साथ, देखो इसका बच्चा क्या आता है, लाल आता है, लाल सफ़ेद आता है कि जहाँ माँ पे जाता है, तो बाद में पता चलेगा 9 मंथ के बाद में, 8 मंथ के बाद में। तो एक हमारा बुल उधर खा रहा है, शेवरलेट का है वो। जे ब्राउनिश वाइट है, तो काली बछड़ी तो आज हमें मिल गई है कल शाम को, बहुत ही सुंदर है, लाल बादशाह और गुलाबो की बेटी है, और कलर उसका ब्लैक है, और वो हो गई है ब्लैक जर्सी। और एक बछड़ा वो है जे रेड बुल, जे लाल रंग का बछड़ा है, जर्सी है प्योर। तो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी ब्राउन ब्लैकिश जर्सियों के साथ। सुबह का टाइम है और सभी जो है आके खा रही है अपनी खुली पे। और ये है हमारी गिरलैंडो, ये प्रेग्नेंट हो गई है। और ये है हमारी मदीन की ब्राउन जर्सी, और ये भी प्रेग्नेंट हो गई है। और ये है हमारी गिरलैंडो, और इसमें जो ब्लड है अब 75 हो चुका है, और ये भी प्रेग्नेंट हो गई है। अब देखो जब ये काविंग करेगी 8 महीने के बाद तो क्या परफॉर्मेंस करती है। और इन सबको हमने जो है सेक्स सीमन लगवाया है, जर्सियों को क्रोम सेक्स लगा हुआ है, और जो हमारी गिर है इसको जमैक्सका, इसको भी जमैक्सका। और ये देखिए, ये है एक हमारी जर्सी लाखी ब्राउन जर्सी। तो ब्लैक जर्सी फाइनली कल आई है, देखो भगवान का करिश्मा है। उसका बाप भी रेड है और माँ भी रेड है, गुलाबो भी लाल है, लाल बादशाह भी लाल है, लेकिन उन्होंने बेटी दी है, उनके दोनों जो बेटी पैदा हुई है मीटिंग के बाद, वो ब्लैक जर्सी है, ब्लैक आई है हमारे फार्म की। तो बरसों की जो हमारी तमन्ना थी वह पूरी हो गई है। तो हमने लाल गायें अपने फार्म पे, मुझे लाल गायें का भी बहुत शौक है, लाल सफ़ेद गायें का, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे सीमन लगवाए थे अपने फार्म पे, मराज रेड, बेस रेड, और भी 2-3 रेड है, अभी मुझे नाम याद नहीं है। तो उनमें से सिर्फ हमारे पास एक ही बछड़ा आया था, और वो भी मरा हुआ पैदा हुआ, अगर जीता होता तो उसको हम पाल पोस के बड़ा करते, लेकिन बाकी जो सब बछड़ी थी बेस रेड की और मराज रेड की, वो अपनी माँ पे गई, ब्लैक एंड वाइट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल के ऊपर मैं सभी जो वीडियो है डेयरी फार्म से रिलेटेड डालती हूँ और अपने एक्सपीरियंस की ही वीडियो डालती हूँ। जो हमने अभी तक जो 13-14 साल से जो भी एक्सपीरियंस किए हैं डेयरी फार्म में और जिनका रिजल्ट हमें अच्छा मिला है वही वीडियो मैं इस पर डालती हूँ। जे फाइनली हमारी जो गोबर पिट है पक्की हो गई है गोबर की साम संभाल के लिए ताकि थोड़ा सा गोबर भी वेस्ट ना हो, तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।